आपके फ़ोन के अंदर एयरटेल का सिम कार्ड पड़ा हुआ है और वो सिम कार्ड है नो सिम कार्ड वहाँ पे आ रहा है या फिर इंसर्ट सिम कार्ड लिख के आ रहा है। आपको ये प्रॉब्लम सैमसंग के फ़ोन में या किसी अदर फ़ोन में आ रही होगी। इसका सॉल्यूशन आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया था जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब हमने वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली है। ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर यहाँ सिम कार्ड शो हो रहा है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप भी सही कर सकते हैं बिल्कुल घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके फ़ोन के अंदर नो सिम कार्ड का इशू आ रहा है या इंसर्ट सिम का इशू आ रहा है, ठीक है, एयरटेल की सिम में, तो आपको इसे कैसे ठीक करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल के अंदर दो तीन सेटिंग होती हैं वो आपको करनी होगी, उसके बाद आपको सिम को बाहर निकालना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है वो बताऊँगा आगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कनेक्शन करके, कनेक्शन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सिम मैनेजर और मोबाइल नेटवर्क के दो ऑप्शन नज़र आते हैं और ऊपर आता है फ्लाइट मोड। ये तीन ऑप्शन का ही सब खेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा फ्लाइट मोड या फिर एरोप्लेन मोड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 सेकंड तक वेट करना है, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, नंबर एक तो ये है। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे सिम मैनेजर पे क्लिक करना है। अब सिम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है आपकी जो सिम कार्ड है यहाँ से बंद तो नहीं है, तो इसे आप चालू कर लीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। और यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है, आप बैक चले जाइए। अब दूसरा क्या है, मोबाइल नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जिस सिम से आप डाटा चलाते हैं उस डाटा अगर चलाते हैं तो उसे डाटा ऑन कीजिए रोमिंग वाला। उसका नेटवर्क मोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ LTE 3G 2G होगा या 5G फ़ोन है तो 5G यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, 4G फ़ोन है तो ये नीचे वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर क्लिक करिए, 3 डॉट पे क्लिक करिए, रीसेट टू डिफॉल्ट कर दीजिए इसे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक होगा, ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से बिल्कुल बैक चलना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ सर्च का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है रीसेट, केवल रीसेट, ठीक है, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग डालेंगे तो सबसे पहले रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करेंगे और आप अपने फ़ोन की सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करेंगे यहाँ से अपना पैटर्न वगैरह डाल के। उसका यहाँ पे मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप रीसेट ऑल सेटिंग कर दीजिए, यहाँ पे सेम प्रोसेस अपना पासवर्ड या पिन डाल के, ठीक है। यहाँ से डाटा डिलीट नहीं होता है, आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि डाटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपकी जो सेटिंग होती है उसमें ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, उसे कम कर देना बाद में, और या वाईफाई ऑन हो जाएगी, ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी, वो बंद कर देना, बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये आपको करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, फ़ोन का जो पावर वाला बटन है उसे आपको दबाना है और यहाँ पे फ़ोन का पावर वाला बटन दबा के यहाँ पे फ़ोन को यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपकी सिम कार्ड यहाँ शो हो जाएगी। देखो फिर भी सिम कार्ड शो नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से अपनी सिम कार्ड को इस तरीके से बाहर निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये देख सकते हैं एयरटेल की सिम है, ठीक है। अब इस सिम को क्या करना है, आपको बाहर निकाल के किसी सूती कपड़े से इसकी बैग नीचे की बैक साइड, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साफ़ की है, आपको थोड़ा नज़र आ रही होगी, तो इसे आपको साफ़ करना है, कपड़े से साफ़ करने और फिर लगानी है, ठीक है। ये आपको फिर लगानी, उसके बाद आपको क्या करना है, नहीं हो रहा है तो आपको ये जो सिम कार्ड है ये दूसरे फ़ोन में डालनी है। अगर दूसरे फ़ोन में वर्क कर रही है तब तो ये पूरी सही हो जाएगी, दूसरे फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रही है तो ये सिम कार्ड ख़राब हो गई है। आपको 20 रुपये लेके जहाँ पे भी इसका केयर होता है वहाँ चले जाना है और वो 20 रुपये में जिसके भी नाम से सिम कार्ड होगा उसका आधार लेके जाना है, उसे भी लेके जाना है, ठीक है, जिसके नाम पे है, और वो ऑनलाइन कर देंगे, यानी कि ऑनलाइन आपको वो दे दी जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन दे दी जाएगी यानी कि ऑनलाइन वेरीफिकेशन वहाँ होगा, ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और वो सही हो जाएगी और वो दे दी जाएगी आपको, ठीक है। और इस ओल्ड वाली सिम को ख़राब हो गई उसे फेंकना नहीं है क्योंकि उसके अंदर नेम वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली है हमने, फेल भी कर ली थी और भी जो आ रही थी थोड़ी बहुत वो भी मैंने सही कर ली है। वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट पर हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। यार आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको बताया उससे हो ही जाएगा 100%।